हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आपके लिए लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में आपका मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल जो कि अगस्त 2022 से संबंधित है। अब क्योंकि मासिक राशिफल की बात यहां पर हो रही है तो आपको पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। और लग्न राशि आपको कैसे देखना होता है ये भी हम बताते ही हैं अक्सर, आज भी बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आप अपनी सबसे पहले हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्रिका खोल लें, उसमें सबसे पहले आपको लग्न पत्रिका दिखाई देगी, लिखा होगा, या लग्न चार्ट। उसमें 12 घर हैं और सबसे ऊपर का सेंटर का जो घर है वो उसमें जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए वहाँ पर 5 लिखा है, 5 नंबर का मतलब होता है ये सिंह राशि हो गई। तो अब वहाँ पर अगर 5 लिखा है आपके लग्न पत्रिका में तो आपका सिंह लग्न बन गया। तो जब हम सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में मंथली राशिफल की बात करेंगे अगस्त 2022 तब आप उसको सुने। और फॉर्चुनेटली इस कार्यक्रम में हम सिंह लग्न राशि के ही जातकों के विषय में बताने जा रहे हैं, तो अगर आप भी सिंह लग्न राशि के जातक हैं तो फिर सुनिए इस प्रोग्राम को, ये फिर आप ही के लिए है। तो प्रिय साथियों, अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हमको होती है वो सब ग्रहों के आधार पर होती है। ग्रहों की जो स्थिति ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में जो होती है वर्तमान में, उसी के ही आधार पर हमको अच्छे बुरे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ये चीज हमको समझनी चाहिए। जो समझते हैं वो इसका संज्ञान सही समय पर लेते रहते हैं, जो नहीं समझते हैं वो परेशानियां ज्यादा उठाते हैं फिर। तो प्रिय साथियों, हम जैसा कि आपसे अभी कह रहे थे कि सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो आपको सबसे पहले तो हम जल्दी से ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें कि इस अगस्त 2022 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या उनकी स्थिति रहेगी, कौन ग्रह कौन सी राशि में किस ग्रह के साथ होगा, कब तक रहेगा, क्योंकि उन्हीं के आधारों पर ही आपको, उनकी स्थिति के आधार पर ही आपको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुध की। देखिए, बुध जहां बैठे हैं, आप चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि बुध बैठे हैं वहां पर जहां 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब हमने आपको बता दिया सिंह राशि, और ये लग्न भाव है, इसको लग्न भाव कहते हैं जहां बुध बैठे हैं, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। अब बुध जो यहां पर बैठे हैं ये यहां पर 20 तारीख तक रहेंगे मार्गी और उदयावस्था में, और 20 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके यहां से निकल करके ये अपनी राशि में जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि कहां पर है, सेकंड हाउस में जहां 6 लिखा हुआ है, वो द्वितीय भाव है, वहां पर ये चले जाएंगे 20 तारीख को, और माह के अंत तक ये वहीं बने रहेंगे। अब बात करेंगे आपसे केतु ग्रह की। केतु जहां पर 7 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं। 7 का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र केतु के मित्र हैं, तो केतु जो है वो अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में, थर्ड हाउस में बैठे हैं, और पूरे महीने ऐसे ही इनका स्थिति बना रहेगा। अब आते हैं शनिदेव के, बात करते हैं कि शनिदेव जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर बैठे देख रहे हैं आप, तो शनिदेव जो हैं, अब 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं इस राशि के स्वामी, और वो अपनी राशि में अपने ही घर में छठे भाव में बैठे हैं, सिक्स हाउस में, लेकिन ये वक्री चाल चल रहे हैं वर्तमान में, यानी कि उल्टी चाल। तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे पूरे महीने, इसी घर में रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे, इनकी स्थिति में कोई बदलाव इस पूरे महीने आने वाला नहीं है। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ पर आप 12 लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हैं, ये 8th हाउस है, और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, तो गुरु जो बैठे हैं वो मीन राशि में बैठे हैं, और मीन राशि के लॉर्ड यानी कि स्वामी जो होते हैं वो गुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो यानी कि कहने का भाव हुआ कि गुरु बृहस्पति अपनी राशि में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये ऐसे ही बने रहेंगे पूरे महीने, इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। आगे बात करेंगे जहाँ पर मंगल और राहु आप बैठे देख रहे हैं वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि,
मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है। लेकिन समस्या ये है कि ये अपने परम शत्रु राहु के साथ यहाँ बैठे हैं, और जब राहु और मंगल का संबंध बनता है साथियों, तो परिणाम कभी भी जातक को उसके जीवन में अच्छे नहीं मिलने देते, ये उसके अशुभ परिणाम ही जातक को झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मंगल जो है 10 अगस्त को निकल रहे हैं इस राशि से, अपने घर से, और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 10 अगस्त को यहाँ से निकलेंगे और निकल करके जाएंगे ये अपनी समराशि वृषभ में यानी टॉरस में। और वृषभ राशि कहाँ है, जहाँ 2 लिखा हुआ है, और 2 लिखा हुआ है 10th हाउस में, तो ये 10th हाउस में जाएंगे आपके करियर हाउस में मंगल 10 अगस्त को, और पूरे माह ये बने रहेंगे फिर वृषभ राशि में अपनी समराशि में मार्गी और उदय अवस्था में, और राहु यहाँ पर 10 अगस्त के बाद अकेले रहेंगे मेष राशि में यानी कि 9th हाउस में जहाँ 1 नंबर लिखा है। तो प्रिय साथियों, अब बात करते हैं आपसे सूर्य और शुक्र की। सूर्य और शुक्र का भी संबंध आप बना हुआ देख रहे हैं जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। तो ये कर्क राशि में बने हुए हैं 12th हाउस में यानी कि द्वादश भाव में, और ये शुक्र जो है यहाँ पर 6 अगस्त से बने हुए हैं सूर्य के साथ। उससे पहले ये मिथुन राशि में थे अपनी मित्र राशि में, मिथुन राशि है जहाँ पर 3 लिखा हुआ है यानी कि 11th हाउस। तो ये 6 अगस्त को 11th हाउस से मिथुन राशि से निकल करके आए हैं कर्क राशि में सूर्य के साथ, और इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा 17 अगस्त तक। क्यों रहेगा? क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य जो है 17 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके जाएंगे अपनी राशि सिंह में, और सिंह राशि हमने आपको बताया जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर, तो ये अपनी राशि में अपने घर में जाएंगे सूर्य 17 अगस्त को, और फिर पूरे माह वहीं बने रहेंगे। और शुक्र जो है कर्क राशि में बने रहेंगे, लेकिन 31 अगस्त को बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को शुक्र जो है यहाँ से कर्क राशि से निकल करके ये भी अपनी शत्रु राशि सिंह में आ जाएंगे जहाँ 5 लिखा हुआ है। तो ये स्थिति ग्रहों की बनेगी अगस्त 2022 में, जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है। बस इसी के ही आधार पर, इन ग्रहों के ही आधार पर आप सिंह राशि के जातकों को, सिंह लग्न राशि के जातकों को अच्छे बुरे परिणामों की भी प्राप्ति होगी, इसी की हम आपसे इस कार्यक्रम में अब चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले करेंगे चर्चा आपके प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय, रोजगार इत्यादि के बारे में, कि कैसा रहेगा ये महीना आपके रोजगार को लेके, व्यापार को लेके। कुछ ज़्यादा देखिए, अभी पिछले कुछ समय से हमने जब जुलाई का राशिफल की बात की थी आपसे, तो भी हमने कहा था कि भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा पूरा। मंगल तो चाहते हैं लेकिन राहु नहीं होने देंगे, तो भाग्य का जब अवरोध पैदा होता है तो बनते कार्य भी बिगड़ते हैं, ये स्थिति रहती है। अब क्योंकि मंगल जो है 10 अगस्त को हमने कहा कि आ रहे हैं आपके 10th हाउस में, तो जब ये मंगल यहाँ पर आएंगे तो चीज़ों में बहुत सुधार होगा। जितनी परेशानियाँ आपने अभी तक, जितने चैलेंजेज, जितनी बाधाएँ आप झेल रहे थे, एक तरीके से सुखों में भी आपके कमी, आप उनका भी आप अच्छी तरीके से एहसास आपको हो रहा था, अनुभव आपने किया कि सुखों का भी आप पूरा अनुभव नहीं कर पा रहे थे, तो आपका जो करियर है अब वो थोड़ा लाइन पर आएगा 10 अगस्त के बाद से लेकर माह के अंत तक। ये माह अगस्त का कहा जा सकता है कि जुलाई के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, हर मामले में काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी आप कंफर्ट जोन में रह करके अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और विरोधी भी एक समय अवधि के बाद आपका विरोध यानी कि 17 तारीख के बाद, 17 तक तो थोड़ा माह के मध्य तक तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और 10 तारीख तक तो मंगल ही अभी यहाँ रहेंगे, तो ये आप मान के चलें कि 10 से 12 तक या 15 तक थोड़ा समय ऐसा रहेगा कि आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए उस समय पर, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई उल्टा बोल रहा है, चाहे बॉस हो, चाहे आपका सीनियर है, या कोई आपका कलीग भी क्यों ना हो, कोई भी अगर आपको कुछ कहता है, बस शांत रहिए, यही एक सबसे बढ़िया रेमेडी है। लेकिन 10 अगस्त के बाद से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी, और आप खुद ये चीज़ का अनुभव करेंगे जो हम आपको आज बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप अपने कार्यों को फिर सुचारू रूप से आगे ले जा सकेंगे। ये आपके करियर की स्थिति रहने वाली है। और आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दें कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले भी हैं, कोई मामला चल रहा है,
कोई केस चल रहा है या कुछ और कानूनी कोई झमेला है आपके साथ लगा हुआ, तो ये झमेला जो है थोड़ा सा ये मान के चलिए कि माह के मध्य तक तो प्रॉब्लम बनेंगी, लेकिन माह मध्य के बाद थोड़ी बहुत रुकावट के बाद कार्य आपके बनेंगे माह मध्य से लेके माह के अंत के बीच में। तो आप समय का थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करें, मैंने जैसा कहा है उसी के अनुसार अपना कार्य करें तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी आसानी से आपके कार्य बन पाएंगे और आप सफल होंगे। हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि आप अपने प्रोफेशन में महीने की पहली तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा, मैं जैसा अभी कह रहा था पेशेंस से काम लें, आप मेरे बिगर कहे वैसे लेंगे पेशेंस से काम, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जो बैठे हुए हैं ये आपको बहुत धैर्यवान बनाएंगे और ये आपको पूरा पेशेंस देंगे कि हर सिचुएशन को आप बहुत शांतपूर्ण ढंग से उसको फेस करें और किसी प्रकार का उत्तेजना या एक्साइटमेंट या कोई क्रोध या आवेश ये ना दिखाएं। बुद्ध आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल रखेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है 20 तारीख तक। उसके बाद फिर सूर्य जब यहाँ आएंगे महामध्य से तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, कार्य तो आपके सुलभ होंगे ही होंगे, उसके बाद आपके मान में भी वृद्धि होगी, यानी आपका धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। और आगे बात करेंगे हम आपके इनकम से संबंधित, सुख साधनों से संबंधित। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आय का प्रश्न है, आय के साधन भी आपके बड़े अच्छे बनेंगे महामध्य के उपरांत, और खाली आय के साधन ही अच्छे नहीं बनेंगे, आप अपनी इनकम जो भी आपको अच्छी होने जा रही है इस महीने के मध्य से, अच्छी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। इनकम तो होगी होगी, सेविंग्स भी बढ़िया होंगी, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है 20 तारीख के बाद करें, बहुत अच्छी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको गुरुओं का, इनकम भी सेविंग भी दोनों बढ़िया तरीके से होगा महामध्य के उपरांत माह के अंत तक। और आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहेंगे कि इस बात का भी ग्रहों की ओर से बहुत अच्छा संकेत है कि 10 तारीख से लेकर माह की 31 तारीख के बीच तक आप यदि कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे, कोई फ्लैट कोठी बंगलो इत्यादि, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें बीच में कुछ बाधाएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ये वो समय है 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच का, जब आप अगर इसमें इनिशिएटिव लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य बनेगा, प्रॉपर्टी खरीदारी का बहुत अच्छा योग बन रहा है, इसका लाभ लीजिए 10 से और 31 अगस्त के बीच। सुख सुविधाओं का भी आप आनंद लेंगे पूरा भरपूर 10 अगस्त के बाद। और अब आपको बात करेंगे हम कि पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति भी ऐसी रहेगी कि भाई परिवार के साथ जो संबंध हैं यूं तो शुरू से ही बहुत अच्छे रहेंगे आपके, लेकिन महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है, बाकी और दूर तक कोई चिंता की बात नहीं है संबंधों को लेके। बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेके कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके। साथियों, बताना चाहूँगा आपको कि प्रेम संबंध जो हैं आपके, ये शुरू के 15 दिन 20 दिन तो थोड़ा सा ऐसी हालत में रहेंगे कि एक तरीके से कहा जाए तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की कुछ अधिक संभावना है। आप सिंह लग्न राशि के जातकों के जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप में है, तो इस अगर कोई मान लीजिए साथी की ओर से किसी प्रकार का कोई इस तरीके की बात होती है आप जो आपको पसंद ना हो, तो बेहतर यही होगा कि उनकी बात का जवाब ना दें। हालांकि ये बात हम अपनी चर्चा में आपसे कह भी चुके हैं कि 20 तारीख तक आप हर मामले में बहुत धैर्य से काम लेंगे, आपका साथी आपके साथ कुछ भी कुछ आपको बोले या कोई आक्षेप लगाए या कोई आप में कमी निकाले, आप उसको सहन कर जाएंगे। 20 अगस्त तक आपको बुद्ध इतना सहनशीलता दे रहे हैं, लेकिन 20 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त का जो टाइम है महीने का, इसमें थोड़े बहुत शिकवे शिकायत के साथ साथ रिलेशनशिप भी चलती रहेगी, कोई विशेष समस्या आपके बीच में हो इसकी संभावना दूर तक नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई कोई वैवाहिक योग भी बनेगा क्या इस प्रकार का,
देखिए, वैवाहिक योग तो कोई इस महीने बनने का कोई योग है नहीं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि विवाह कर लें, तो विवाह करने जैसी चीज़ तो नहीं हो पाएगी क्योंकि योग नहीं है ग्रहों की ओर से। हाँ, रिलेशनशिप को लेकर के हमने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में बता दिया है। और अब बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि वैवाहिक जीवन 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक बहुत अच्छा, पूरा भरपूर आनंद लेंगे आप। लेकिन बस थोड़ा सा अपने जो जीवन साथी है उसके हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और महामध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आप कंट्रोल करें अपने ऊपर, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, क्योंकि कुछ भी महामध्य से और अंत के बीच में आप कुछ ऐसा बोल देंगे या कुछ निकल जाएगा अनायास, जिसकी वजह से अननेसेसरीली आपके दोनों के बीच में कोई टेंशन बन जाए। हालांकि ये टेंशन कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी कि जिसको लेकर के आप चिंतित हो जाएं, ना, जैसे घर में होता है आपस में, तो जीवन साथी के साथ ये चीज़ें रहेंगी, हो सके तो ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आगे बात करेंगे आपके साथ जो छात्र हैं उनके विषय में, कि उनकी शिक्षा को लेकर के किस प्रकार की स्थिति। देखो भाई, छात्रों को मैं सिंह लग्न राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यूं तो छात्र जो हैं वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाएंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत परेशानियां, बाधाएं भी जरूर आपको उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन सब चीज़ों को देख करके निराश ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल क्योंकि वो जितनी परेशानियां आएंगी, जैसे आएंगी वैसे जाएंगी। गुरु बृहस्पति संभालने के लिए बैठे हैं, काफ़ी हद तक संभाल भी रहे हैं और संभालेंगे भी, लेकिन बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी एजुकेशन को लेकर आप भी थोड़ा सा गंभीर रहें। अगर ये आप सीरियस रहेंगे तो जो हमने कहा कि छोट-मोट प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी और आपके रिजल्ट्स पे भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे। संतान की ओर से भी हम यही कहना चाहेंगे कि माता पिता के लिए संतान सामान्य से ऊपर यानी कि मध्यम रिजल्ट्स आराम से देती रहेगी, ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे माता पिता को, ना बहुत खराब, मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति इस महीने की संभावना है संतान की ओर से। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में मामूली गिरावट, हालांकि माह के मध्य तक तो थोड़ी ज़्यादा है, मिला जुला स्वास्थ्य है, कुछ अधिक भी थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। तबीयत अधिक से मतलब ये है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं, एक ही होता है बिना मेडिसिन की केयर कर ली जाती है, रिलीफ हो जाता है, थोड़ा वैसे ही केयर कर लेते हैं तो खान पीन में, एक ये होता है कि भाई थोड़ा तबीयत बिगड़ गई अब तो थोड़ा मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ मेडिसिन लेने वाली जो स्थिति है वो तो माह के मध्य तक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊंचा नी 19-21 चलता रहेगा स्वास्थ्य आपका। अब आपको अंत में हम देने जा रहे हैं उपाय कि अगर आपने ये उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका पूरा महीना भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा, और जब भाग्य सपोर्ट करता है तो चीज़ें अपने आप सारी अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही सही हो जाती हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि क्योंकि आप सिंह लग्न राशि के जातकों को सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती जी की पूजा करना है नियमित रूप से, उनकी सामने फोटो रख लें, पिक्चर रख लें, उनकी कोई कैलेंडर हो या उनकी कोई मूर्ति हो, रख करके आप बस सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा करें, सब कुछ ठीक होगा। तो ये था प्रिय साथियों आप सिंह लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है अगस्त 2022 का मंथली राशिफल तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस दोनों समय रहते आप तक पहुँचें सीधे, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।